हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस नंबर को 21 से डिवाइड करना है तो इसको हम फर्स्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको दूसरे मैटर से यानी डिविजिबिलिटी रूल है, चलिए इसको हम कैसे इजी वे में सॉल्व करते हैं। जैसे 21 है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको ये ट्रिक समझ भी नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करना है, 21 को हम 3 और 7 लिख सकते हैं। ओके, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 आ जाएगा। 3 के टर्म में 21 आता है, 7 के टर्म में 21 आता है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो नंबर है 11487 लिखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ऐसे स्लैश दे देंगे। ओके, अब 1148 लिख के 7 का डबल क्या होता है, 7 का डबल 14 होता है, 14 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करें, इस नंबर को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, हमारा माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 1, 1। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, इसको हम 4 को स्लैश देंगे, 1, 1, 3 लिखेंगे। 4 का डबल क्या होता है, 8 होता है। अब 8 इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 8 में 5 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। ओके, अब क्या करेंगे, 5 को ऐसे स्लैश देंगे, 10, 5 का डबल क्या होता है, 5 का डबल 10 होता है। ओके, यानी इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो गया, यानी 0 आ गया, तो समझिए ये हमारा 21 से ये नंबर जो है ये डिविजिबल है। ओके, यानी 0 आ गया तो डिविजिबल आ गया, 0 नहीं आता तो ये नॉट डिविजिबल होता है। ओके, समझ में आया, आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।